Hello students, let's begin with the fourth lesson, that is names of person. I told you it is a noun because noun is the name of person, place, animal, thing. Today we are going to read about names of persons. You live with people. Hum logon ke saath rehte hain. People in your family, school and in your neighborhood are also called persons. जो लोग हमारी फैमिली में हैं, स्कूल में हैं या हमारे पड़ोस में हैं, उन्हें हम पर्संस कहते हैं. दे ऑल्सो हैव नेम्स. हर एक व्यक्ति का अपना नाम होता है. जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो हम उन्हें पर्संस कहते हैं. बट उनमें फीमेल्स भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं, यानी बॉय भी होगा, गर्ल भी होगी, मैन होगा, वुमेन होगी. So these are the names of persons. Names of person can also be recognized. हम उनको उनके काम से भी जानते हैं. For example, doctors, teachers, carpenter, baby. These are the name of person. Now, persons around us. हमारे आस पास रहने वाले persons, जिन्हें आप अपनी family में भी जानते हैं और आप उन्हें नेम भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, या सिस्टर, ब्रदर, मदर और या ग्रैंड मदर. सो आपकी फैमिली में ये रहते हैं, ये है पर्सन्स. ओके, ये है आपकी फैमिली में रहने वाले पर्सन्स. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बॉय, अ गर्ल, women और men, these are names of person. ये उन persons के नेम हैं. ओके, योर ग्रैंड मदर, आपकी दादी women है, आपके पापा men हैं, आपका ब्रदर boy है और आपकी sister girl है. these are the name of persons.